फाइनली कोल्ड केस, ये एक मलयालम मूवी है जो कि आपको अमेजोन प्राइम पर देखने को मिलती है। बैकग्राउंड में कुछ वॉइस आ रही होगी तो उसको थोड़ा बहुत इग्नोर करो यार। ओवरऑल लेंथ 2 hours 17 minutes की, आपको मलयालम लैंग्वेज विद इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिल जाती है। मूवी की कहानी शुरू होती है एक फिशरमैन से, जिसको एक ह्यूमन स्कल यानी कि इंसानी खोपड़ी मिलती है, तो इसलिए इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते एसीपी सत्यजीत। अब इसके पीछे कुछ और ट्विस्ट है जो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा। खैर, दूसरी तरफ एक जर्नलिस्ट जो कि गोस्ट स्टोरीज कवर करती है, साथ साथ ये एक सिंगल मदर भी है। अब इस जर्नलिस्ट के घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती है। अब कैसे ये दो अलग अलग केसेस आपको इस पूरी मूवी में देखने को मिलेंगे, फिर क्या कुछ होता है कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ भाई। ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी ही देखनी पड़ेगी। मूवी के लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि साउथ इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पर हॉरर प्लस क्राइम इन दोनों का जो एक परफेक्ट मिक्सचर देखने को मिला है, इसी वजह से जो मूवी का फर्स्ट हाफ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है, काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लगता है, बहुत ही गजब का लगता है, मतलब एज ऑफ द सीट लगता है। लेकिन इसका जो सेकेंड हाफ है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो लगता है और इसका जो क्लाइमेक्स है वो इतना वीक लगता है कि इसी वजह से ये मूवी एक डिसेंट थ्रिलर मूवी बनकर रह गई है। आई एम वेरी वेरी सॉरी ये बताने के लिए, हालांकि ये मेरा अपना ओपिनियन है, ये मैं किसी और के ओपिनियन की बात नहीं कर रहा, ये मेरा ओपिनियन है। मुझे इसका सेकेंड हाफ काफ़ी ज़्यादा वीक लगा और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि 80% ऑडियंस का जो मज़ा है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। मतलब फर्स्ट हाफ इतना आप अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हो, सेकेंड हाफ में पूरी की पूरी मूवी ऐसा लगता है कि मतलब ख़त्म हो गई, मर गई यार, क्लाइमेक्स आने से पहले ही मूवी मर गई। खैर, उसके अलावा सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, हालांकि कुछ नए लोकेशंस पे शूट नहीं हुआ है, मतलब टिपिकली ये मूवी जैसे साउथ की मूवी शूट होती है वैसे ही शूट हुई है। लेकिनग्राफी लाइटिंग का यूज़ बहुत अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया। वैसे मूवी में कुछ जंपस्केयर सीन्स भी थे जिसे देखकर वाकई में मैं कुछ कुछ जगह पर चौंक गया था, जो मुझे एक्चुअली अच्छे भी लगे। BGM भाई बहुत कड़क है, और इस तरह की मूवी में अगर ऐसे BGM हो तो भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ऐसा होता भी है। कैरेक्टराइजेशन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उनको इतनी अच्छी तरह से नहीं लिखा है, मतलब जो एक डेप्थनेस होना चाहिए इतने कैरेक्टर्स में वो हम लोग कहीं ना कहीं फील नहीं कर पाते, और इसी वजह से मूवी में बहुत सारी जगह पे कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मगर अभी यहाँ पर बताने लगूंगा ना तो आपका वो मज़ा ख़राब हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो स्पॉयलर्स के अंदर आ जाएगी, तो इसलिए मैं उस पर फिलहाल बात नहीं करूँगा। और एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई पृथ्वीराज सुकुमार अपने इस तरह के रोल में बहुत ही गजब के लग रहे थे, मतलब एक ऐसा पुलिस वाले का रोल प्ले कर रहे जो आपने आज से पहले उनको करते हुए नहीं देखा है, और ये एक ऐसा पुलिस वाला जो दिमाग से काम ले रहा है ना ही अपनी ताकत से काम ले रहा है, और वो चीज़ मुझे इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के स्पेशली पृथ्वीराज सुकुमार ने जो प्ले किया वो बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा जो दूसरी कैरेक्टर थी आदित्य बालन, शायद उन्होंने भी अपने हिस्से के रोल को अच्छी तरह से निभाया। मतलब यहाँ पर अगर आप लोग देखा जाए तो लीड एक्टर्स के लिए करने के लिए मुझे कुछ खास ऐसी चीज़ें लगी नहीं, ये जो भी चीज़ थी इस पूरी मूवी में वो सिचुएशन थी और वो स्क्रिप्ट के ऊपर बिलोंग था, और स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं झोल हुई है इस मूवी में। एडिटिंग बहुत ही पैथेटिक है, 2 hours 17 minutes की मूवी ये डिजर्व नहीं करती है। मेरे ख्याल से 2 hours 5 minutes की होती तो वो ज़्यादा बेटर होता है, यानी कि आराम से 10 to 15 minutes यार इस मूवी के एडिट किए जा सकते थे, और ये मूवी को इतना स्लोली स्लोली आगे बढ़ाया कि मतलब आप लोगों ने इससे बेटर प्रीवियस बहुत सारी मूवीज़ देखे यार इस तरह की क्राइम थ्रिलर, तो आपका वो कहीं ना कहीं शिकायत रहती कि साउथ वालों से ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी, और वहीं पर डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग लो एक्सपेक्टेशन से जाके ये मूवी देखोगे, और अगर आप पृथ्वीराज सुकुमार के बहुत बड़े फ़ैन हो, अगर आप लोग मलयालम इंडस्ट्री की मूवीज़ देखते हो तो ये मूवी आपको अच्छी लगेगी, लेकिन फिर भी चांसेस है कि ये मूवी एक डिसेंट ही लगेगी आपको, और पॉसिबल यही है कि ये मूवी वन टाइम वॉच होकर ही रह जाएगी। पैरेंटल गाइडेंस की बात करो तो जैसे ये मूवी आप अपनी फैमिली साथ बैठ के देख सकते हो, हाँ कुछ ऐसे सीन्स है जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं स्पेशली बच्चों को, तो वो थोड़ा सा अवॉइड कर लेना। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 2.5 out of 5, फॉर मी इट्स अ वन टाइम वॉच, नॉट एन एक्सेप्शनल मूवी, नॉट अ मास्टरपीस मूवी, और नॉट अ दैट मच ब्रिलियंट मूवी जो मैंने इससे पहले साउथ की मूवीज देखा जहाँ पर इस तरह का कॉन्सेप्ट था, तो समझ रहे हो ना मेरी बात। तो यार बस इस वीडियो में इतने, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आपकी मर्जी, और बैकग्राउंड में अगर कुछ वॉइस आ रहे होंगे तो प्लीज़ मैनेज करना, शायद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आजू बाजू में, एक्चुअली मेट्रो का काम चल रहा है यार, तो क्या बोलूँगा तुम लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।